कमाल चौक स्थित रसवंती दुकान चलाने वाले एक दुकानदार को खून की उल्टियां होने से परिसर में खलबली मच गई। पाचपौली पुलिस आगे की जांच कर रही है। नागपुर के कमाल चौक स्थित एक रसवंती के दुकान मालिक को खून की उल्टियां होने से परिसर में खलबली मच गई। मिली जानकारी के अनुसार रसवंती दुकान मालिक का नाम शेखर अर्जुन जनबंधु बताया जा रहा है। सिद्धार्थनगर टेका में रहने वाले शेखर जनबंधु को टीपी और पीलिया हुआ था। ऐसे में वो रोजाना शराब का सेवन करता था। शराब की आदि हो जाने से और भारी मात्रा में शराब का सेवन किए जाने से अचानक खून की उल्टियां होने शुरू हो गई, जिसके बाद लोगों में अफरा तफरी मच गई। घटनास्थल पर लोगों का हुजूम उमड़ पड़ा था। पाचपौली पुलिस ने दुकानदार को अस्पताल में इलाज के लिए भेज दिया है। पाचपौली पुलिस आगे की जांच कर रही है। कमाल चौक के बाजू में इन मिशन की टीम खड़ी है, जहां पे अभी भी एक व्यक्ति की एक संदेहास्पद ऐसी मृत्यु हुई है। इस समय में हमारे साथ में महेश धवन, जो कि पुलिस निरीक्षक हमारे साथ में आई, उनसे जानना चाहेंगे। धवन साहब, ये बताइए कि ये किस तरह का मामला था, क्या हुआ है एक्चुअल? सुबह फोन आया था कंट्रोल से कि एक बॉडी पड़ी हुई है कमाल चौक से वैशाली नगर जाते हुए रोड पे, एक रसवंती गृह में। अभी आप उधर ही खड़े हैं अपन, तो उधर वो आने के बाद बॉडी देखी तो उसके मुंह से खून बह रहा था। उसका भाई और वो दोनों यही सोते थे। वो शेखर जनबंधु नाम है उसका, जिसकी बॉडी में बॉडी आने के अभी तक बॉडी बोल नहीं सकते उसको, क्योंकि वो हॉस्पिटल में जाने के बाद डॉक्टर तय करेंगे ब्रॉड डेड है या कैसा। उसके बाद पता चलेगा जिस आदमी को हॉस्पिटल लेके गए उसका नाम है शेखर जनबंधु। अभी पता नहीं, वो उधर डॉक्टर ही बता सकेंगे। तो शेखर जनबंधु उसका नाम है, उसका भाई था यशवंत जनबंधु, वो दोनों इधर ही सोते थे। वो भाई बता रहा था कि वो दोनों हमेशा बीमार रहते थे, उसको खून की उल्टी हुई ऐसा वो बोल रहा था, लेकिन फिलहाल अभी नहीं कह सकते। डॉक्टर का रिपोर्ट आने के बाद बता सकेंगे एक्चुअली क्या परिस्थिति, क्या एक्चुअली में क्या मैटर है करके। तो आप तो पुलिस निरीक्षक महेश धवन, जिन्होंने बात करते हुए ये बताया कि अभी भी तफ्तीश जारी है। आप देख सकते हैं कि पुलिस यहाँ पे पूरी तरह से लिखने का काम शुरू है। आगे की पल पल की जानकारी हम इस बारे में आपको देते रहेंगे। आप देखते रहिए इनबीसी न्यूज़। कैमरा पर्सन वीरेंद्र के साथ संजय मिरे, इनबीसी न्यूज़ नागपुर।